मेरठ राम जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद यूपी में जिस तरह से पुलिस प्रशासन व्यवस्था कायम करके शांतिपूर्ण माहौल मेरठ शहर को दिया था, आज यानी 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी पर किसी भी तरह का आशंका के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को व्यवस्था को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है। इन साहब, 6 दिसंबर को लेकर जो फोर्स का डेप्लॉयमेंट है, किस तरह से किया गया और कहाँ कहाँ निगरानी, खासतौर से सोशल मीडिया एक बड़ी चैलेंज है। पूरी तरह से जोन में शांति है, सामान्य जनजीवन चल रहा है। कुछ जनपदों में स्कूल बंद किए गए हैं और कुछ जनपद में स्कूल वगैरह भी सामान्य तरीके से चल रहे हैं और लगातार हम लोग भ्रमणशील हैं। सुबह 4 बजे से सोशल मीडिया पे भी निगरानी रखी जा रही है, अगर कोई ऐसी बात उसमें आती है तो वो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल सभी का सहयोग मिल रहा है और पूर्णतः शांति है और सामान्य जनजीवन चल रहा है। पूर्व में भी जोन में जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उनको भी बंद किया गया है, तकरीबन कितने और आगे फर्दर क्या प्लानिंग है सोशल मीडिया को? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था तो उसके बाद लगभग 9,000 सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए गए थे और अभी हम लोग उसका पूरा जायजा लेंगे कि वर्तमान परिवेश में कितने किए गए हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें नहीं आई हैं। हापुड़ में एक प्रकरण प्रकाश में आया था तो उसमें कुछ लोग डिटेन किए गए हैं।